सपा बसपा कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के महागठबंधन का भविष्य अभी निर्णायक मुकाम पर नहीं है, लेकिन इस संभावित चुनौती का जवाब देने को बीजेपी अपनी बुनियाद मजबूत कर रही है। फिलहाल पिछड़ों को साधने के लिए जातिवार सम्मेलन चल रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने सितंबर के अंत या अक्टूबर महीने में पिछड़ों की बड़ी रैली आयोजित करने की भी तैयारी शुरू कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आ सकते हैं। सपा बसपा कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के महागठबंधन का भविष्य अभी निर्णायक मुकाम पर नहीं है, लेकिन इस संभावित चुनौती का जवाब देने को बीजेपी अपनी बुनियाद मजबूत कर रही है। फिलहाल पिछड़ों को साधने के लिए जातिवार सम्मेलन चल रहे हैं। इसी बीच बीजेपी ने सितंबर के अंत या अक्टूबर महीने में पिछड़ों की बड़ी रैली आयोजित करने की भी तैयारी शुरू कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आ सकते हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर पिछड़ों को एकजुट करने वाली बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उनकी अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिली। अब फिर से पिछड़ों को साधने के लिए बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को कमान सौंपी है, जिसके लिए यूपी में बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री लगातार जातिवार सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी ने अब तक प्रजापति समाज, राजभर, सविता सेन नाई, अर्कवंशीय, विश्वकर्मा, पाल बघेल, साहू राठौर, लोधी किसान राजपूत और भुर्जी समाज के सम्मेलन के साथ निषाद, कश्यप और बिंद समाज, हलवाई, जाट, कुर्मी, पटेल, गंगवार, गिरी समाज, चौरसिया समाज और फिर यादव समाज के सम्मेलन का आयोजन किया। पूरे विश्वास से भी भरा हूँ, जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है, उससे हम 2014 से बड़ी विजय 2019 में प्राप्त करेंगे। और सर्व समाज का समर्थन और सर्व स्पर्शी भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष के पास मैं केवल उनसे एक ही सवाल करता हूँ, वो बताएं उनका प्रधानमंत्री कौन है। उन्होंने कहा ऊपर वाला व्यक्ति थोड़ा झुके और नीचे वाला व्यक्ति थोड़ा उठे और दोनों जब बराबर पे आ जाएंगे तब समझो हमने किसी व्यक्ति की रक्षा करने में अपने आप को समर्थ पाया। यानी जो धनाढ्य है, जो समृद्ध है, वो कुचले हुए को, पिछड़े हुए को, जो एक असहाय स्थिति को अपना रहा है, उसको ऊपर लाने में उन सब का तालमेल, दोनों के हाथ मिलने जरूरी है, दोनों को मिलकर ही वो प्रयास हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि बीजेपी के साथ पिछड़े, अगड़े और सर्व समाज के लोग पूरी ताकत से जुटे हैं। बीजेपी ने इन सम्मेलनों के जरिए पिछड़े और अति पिछड़े को मजबूत करने के लिए खाका तैयार कर लिया है। लखनऊ के विश्वेश्वरिया सभागार में केशव मौर्य की एक टीम इन प्रतिनिधियों का डाटा संकलित कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने बकायदा एक लिस्ट तैयार की है, जिसके जरिए बीजेपी यादव समुदाय बीएसपी के अति पिछड़े वर्ग के मतों को अपने साथ जोड़ सके। के न्यूज के लिए लखनऊ से प्रदीप विश्वकर्मा के साथ स्निग्धा रितेश की रिपोर्ट।